समाज में कैसे बनी पहचान, संघर्षों से सफलता तक, फर्ज से अर्ज तक की पूरी दास्तान देखिए व्यक्ति विशेष में सिर्फ प्रत्येक न्यूज लाइव पर। अभी हम खड़ा हैं गया के एपी कॉलोनी स्थित ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा स्टेट बैंक का विंग्स है। आज उसका उद्घाटन हुआ है, जिसमें इसके प्रधान गोयल साहब आए हुए थे। और इस ग्राहक सेवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि 10 से लेकर 20,000 रुपया तक की जो भी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक में जो भीड़ रहती है, उस भीड़ को कम करने के लिए यह एक सुगम व्यवस्था की गई है। और सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक यह सेवा प्रदान रहेगी, जिससे गया शहरवासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना जो करना पड़ता था बैंक में, उससे निजात मिल पाएगा। आपको मैं बता दूँ, यह ग्राहक सेवा केंद्र एपी कॉलोनी स्थित स्टेट बैंक के बगल में खोला गया है, जहाँ सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक सेवा प्रदान की जाएगी। और छोटे छोटे जो भी लोग हैं, आम लोग हैं, जो 2,000-3,000 का FD करना चाहते हैं, वह भी सुविधा यहाँ है। RD करना चाहते हैं, वह भी सुविधा यहाँ है। इस तरह की सुविधा ग्राहकों को देखते हुए यह खोला गया है, ये बहुत ही हर्ष की बात है। गया से प्रत्येक न्यूज़ के लिए RK निराला। ये स्टेट बैंक का, जो कि एपी कॉलोनी बाजार एक एपी कॉलोनी शाखा से ये लिंक होकर एक डी कंजेशन को दूर करने के लिए, डी कंजेशन का सेंस ये बनता है कि जहां कस्टमर का संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहां से 20,000 तक का ट्रांजेक्शन को बैंक को एक अलग बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से एक कियोस्क बैंकिंग का सिस्टम को किया है, जिसके तहत ये ब्रांच खुला है, जिसमें कोई भी कस्टमर 20,000 तक का ट्रांजैक्शन सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का वो सुविधा ले सकते हैं। इसमें स्टेट बैंक के अलावा अदर्स बैंक के भी जो कस्टमर हैं, वो भी अपना, जिनके खाते में आधार टैग किया हुआ है, वो अपना जमा निकासी यहाँ से कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट सेंटर से DMD साहब का आने का प्रोग्राम है, जो अभी आधे घंटे में अभी आएंगे, और इनके साथ लोकल हेड ऑफिस पटना के CGM सर आने वाले हैं, DGM सर हैं, गया से लोकल यहाँ पर रीजनल मैनेजर मेवालाल सर हैं, वो रहेंगे, और शाखा प्रबंधक महोदय भी साथ में रहेंगे। उसी का आज ये उद्घाटन, ब्रांच का उद्घाटन है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक ये सेवा जो है, ये सेवाएं कस्टमर्स के लिए सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। क्या इस तरह की और व्यवस्था है, आपने पहला नंबर वन? इसके अलावा एक ब्रांच और हमारे पहले से भी सुविधा दी गई है, जो पुरानी गोडाउन ब्रांच से नई गोदाम के पास में किया गया है। चूँकि इसका वैल्यू इसलिए ज़्यादा है कि ये बगल का जो हमारा जो ब्रांच है, यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर्स काफ़ी है। क्या वहाँ भी सुबह 8 बजे? नहीं, वो ब्रांच तो जैसे ब्रांच नॉर्मल जैसे चलती है वैसे चलेगी। हमारे यहाँ जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से जो किया गया है, इसमें सुविधा होगी 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात। प्रथम ऐसा है व्यवस्था? नहीं, इसके पहले एक और भी है, लेकिन उस ब्रांच में भीड़ थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ जो ट्रायल जो किया गया है, इस बार जो यहाँ बनाया गया है, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिसको डिकंजेशन करने के लिए, मतलब ब्रांच में भीड़ कंट्रोल करने के लिए इसको ये बनाया गया है। अपना परिचय? मेरा नाम अजय कुमार सिन्हा हुआ, डायरेक्टर सेफ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी है जो स्टेट बैंक के द्वारा अधिकृत की गई है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में, नेशनल रूप में।
नेशनल बिजनेस करस्पॉन्डेंट।